I'm Sir Ali. Dear students and viewers, I'm Sir Ali. I'm sure after taking the class and watching this video, you will be able to use feel line in your communication. As you know, हर शख्स की ख्वाहिश होती है, वह ख्वाहिश रखता है जिसको हम कहते हैं विश. विश कहते हैं या उसको हम डिज़ायर कहते हैं, सम टाइम हम उसको कहते हैं ये बर्निंग विश. ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये काम करूँ, ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं ये काम नहीं करूँ. लेकिन इसके साथ साथ अगर हम एक टॉपिक यूज़ करें वह है फील लाइक. देखें, एक बात को याद रखिए, फील एक अलग वर्ब है, लाइक एक अलग वर्ब है. फील मीन्स महसूस करना और लाइक मीन्स पसंद करना. बट बोथ व्हेन दे आर कमिंग टुगेदर, जब दोनों एक साथ आ रहे हैं तो एक नई मीनिंग्स दे रहे हैं, यानी कि दिल चाहता है. एज वी डिस्कस सम टाइम इट हैपन टू अस, हम बहुत बार कहते हैं यार मेरा ये दिल चाहता है, मेरा दिल ये चाह रहा है. अपनी ख्वाहिश का इजहार करने के लिए हम ये कहते हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं ये काम करूँ. एज स्टूडेंट्स, वैन यू आर सिटिंग इन क्लास एंड वैन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका दिल चाहता है कि आप भी रवानी के साथ फ्लुएंटली इंग्लिश बोलें. इसलिए हम क्लास में बैठे हुए और हम इस वीडियो को देख रहे हैं. एक एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है. इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं? इसको यूज़ करने का तरीका यह है कि सब्जेक्ट फील लाइक टू इन्फाइनिटिव, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है. अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करें, 10 सेंटेंसेस और मोर देन 10 सेंटेंसेस बनाते हैं तो ईजिली यू कैन यूज़ इन योर कम्युनिकेशन. इसका एक टॉपिक क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लेते हैं, यू फील लाइक टू लर्न इंग्लिश. मतलब आपका दिल चाहता है कि आप इंग्लिश सीखें. दूसरा सेंटेंस इसी तरह से, यू फील लाइक टू ड्रिंक पेप्सी, आपका पेप्सी पीने को दिल चाहता है. क्लियर दिस पॉइंट? इसी तरह से अगर हम तीसरा सेंटेंस को लें, शी फील्स. अब देखिए यहां पर क्या है, फील्स आया है, वही जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, यानी कि ये फील्स के साथ हमने एस को ऐड किया कि क्यों, ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है. तो हमने क्या किया, शी फील्स लाइक टू टेक टी, उसका चाय पीने को दिल चाहता है. ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम आराम से अपनी क्लास में बना सकते हैं, या क्लास के बाद भी बना सकते हैं, और हम खुद आपस में दोस्तों के साथ या क्लास में या व्हेन यू आर डूइंग योर ओन वर्क या किसी भी काम में बिजी हैं तो आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. यू फील लाइक टू लिसन म्यूजिक, यू फील लाइक टू वॉच माई वीडियोज, यू फील लाइक टू इम्प्रूव योर स्किल्स. Everybody has the different skills. तो आपका दिल चाहता है कि आप भी इम्प्रूव करें. Whenever we have inspiration, उस inspiration को देखने के बाद आपका दिल चाहता है कि आप भी ये काम करें. ये ख्वाहिश पैदा होती है, इस ख्वाहिश का इजहार आप मुख्तलिफ अंदाज में करते हैं. Now, अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं. पहले हमने स्टडी किया था यू फील लाइक टू स्पीक इंग्लिश और यू फील लाइक टू इम्प्रूव इंग्लिश और यू फील लाइक टू रीड द न्यूज़पेपर्स. अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमने वही तरीका इस्तेमाल करना है, वही काम करना है जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था, यानी कि डू नॉट और डज नॉट. यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के साथ वही डू नॉट एंड डज नॉट, उसके बाद फील लाइक, देन टू एंड बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आफ्टर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. एग्जाम्पल, यू डोंट फील लाइक टू सिट इन बैड कंपनी, आपका दिल नहीं चाहता कि आप एक बुरी सोहबत में बैठें. इट हैपन टू एवरीबडी, बींग अ स्टूडेंट, बींग अ सिविलाइज्ड सिटीजन, यू डोंट वॉन्ट टू सिट इन बैड कंपनी. इस सेंटेंस को, इस एक्सप्रेशंस को आप लेते हैं इस टॉपिक के साथ तो क्या कहते हैं, यू डोंट फील लाइक टू सिट इन बैड कंपनी. इसी तरह से यू डोंट फील लाइक टू वेस्ट योर टाइम, आप अपना वक्त ज़ाया करना नहीं चाहते. टाइम इज प्राइसलेस, लोग कहते हैं ना वक्त कीमती है, नहीं, वक्त कीमती नहीं है, वक्त अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है. लिहाजा इसको यूज़ करें, यू डोंट फील लाइक टू वेस्ट योर प्राइसलेस टाइम, और सिंपल यू डोंट फील लाइक टू वेस्ट योर टाइम. इसी तरीके से तीसरा सेंटेंस क्या है, यू डोंट फील लाइक टू प्ले पियानो, आपका पियानो बजाने को दिल नहीं चाहता. तीसरा सेंटेंस हमने जो एक सेंटेंस हमने लिया शी को, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर को, तो फिर हम करेंगे डजंट.
शी डजेंट फील लाइक, यहाँ पर जो हमने एफर्मेटिव सेंटेंस बनाया था जो एस का इजाफा किया था जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में करते हैं, तो शी डजेंट फील लाइक, यहाँ पर वो एस हट गया, क्यों? डज नॉट लग गया. शी डजेंट फील लाइक टू लाफ एट अदर्स, उसका दूसरों पे हंसने को दिल नहीं चाहता. एक सेंटेंस दूसरा है, इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस क्या है, शी डजेंट फील लाइक टू वॉच ड्रामा. सम students and women, they are crazy about watching dramas. They are wasting their time, the precious time, priceless time they are watching. Just keep watching the dramas, one after another they are watching. But ek aapne se kehta hai ki I or she doesn't feel like to watch drama. Now, ab hum iska interrogative banate hain. Interrogative is same jaisa ki humne present indefinite tense mein kiya tha. Yani do or does ko hum pehle use karenge. यानी ये स्ट्रक्चर हमारा क्या बना या फार्मूला हमारा क्या बना, डू डज सब्जेक्ट फील लाइक टू एंड बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल, डू यू फील लाइक टू लर्न इंग्लिश, क्या आपका इंग्लिश सीखने को दिल चाहता है. सेकंड सेंटेंस हमारा क्या है, डू यू फील लाइक टू रीड न्यूज़पेपर. अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो याद हो उसके अंदर कहा था कि न्यूज़पेपर पढ़ो, किताबें पढ़ो, लाइब्रेरी का विजिट करो ताकि आपकी जनरल नॉलेज बेहतर से बेहतर हो. यहाँ पर वही एग्जाम्पल है, डू यू फील लाइक टू रीड न्यूज़पेपर. इसी सेंटेंस को हम ये बना सकते हैं, डज शी, ही और शी के साथ डज लगेगा, तो डज शी फील लाइक टू गेट नॉलेज, क्या उसका नॉलेज इल्म हासिल करने को दिल चाहता है. यहाँ इल्म से मुराद ये किताबें नहीं, यहाँ इल्म से बात किताब भी है और उसके साथ साथ दुनिया के जितने तमाम उलूम हैं उनको हासिल करना, जनरल नॉलेज को अपनी इम्प्रूव करना. जब आप अखबारात का मुताला करते हैं और किताब पढ़ते हैं तो आपकी जनरल नॉलेज इम्प्रूव होती है और आप एक बेहतरीन, एज वी डिस्कस मेनी टाइम्स, इम्प्रेसिव कंप्रेहेंसिव डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि आपके पास भी नॉलेज है. तो सम टाइम इट हैपन टू, ऐसा होता है ना कि आपको सुनने के बाद सामने वाला कहता है आई फील लाइक टू लाइक, आई फील लाइक टू स्पीक लाइक यू, और आई फील लाइक टू शेयर माई आइडियाज, बट आई डोंट फील लाइक टू वेस्ट माई टाइम. डू यू फील लाइक टू वेस्ट योर टाइम? माई क्वेश्चन, ये मेरा क्वेश्चन आपसे जो दोज आर वॉचिंग दिस वीडियो, कि डू यू फील लाइक टू वेस्ट योर टाइम, जो के प्राइसलेस है. डेफिनेटली आपका जवाब होगा नो, यू डोंट फील लाइक टू वेस्ट योर प्राइसलेस टाइम, यू फील लाइक टू इम्प्रूव योर जनरल नॉलेज.